हेलो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का फिल्मी बीट पर। नेटफ्लिक्स की पहली हिंदी ओरिजिनल हॉरर सीरीज घोल, राधिका आप्टे स्टारर, मानव कॉल स्टारर। लेकिन आमतौर पर जैसा होता है, नेटफ्लिक्स की सीरीज पर कोई न कोई विवाद जरूर होता है। घोल को लेकर भी विवाद है, पर ये विवाद है क्या और इस विवाद के बारे में, सेंसरशिप के बारे में क्या कहते हैं एक्टर मानव कॉल। दरअसल नेटफ्लिक्स की हॉरर मिनी सीरीज घोल में राहुल डाकुना के किरदार में नजर आने वाले मानव कॉल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो अपनी एक्टिंग को साबित कर चुके हैं, लेकिन मानव शुरुआत से ही फिल्मों में सेंसरशिप के खिलाफ रहे हैं और बतौर निर्देशक वो इसे कला की हत्या मानते हैं। अपनी नई सीरीज घोल की स्क्रीनिंग के मौके पर पहुंचे मानव कॉल ने कहा, सेंसरशिप तो दर्शकों के हाथों में होनी चाहिए और मैं हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूं। कोई और क्यों तय करे कि आप क्या देखना चाहते हैं। दरअसल फिल्म घोल में मुस्लिम वर्ग के लोगों को आतंकवादी दिखाने पर कई लोगों को आपत्ति थी। इस फिल्म में भारत के अंदर एक तानाशाह सरकार का राज दिखाया गया है और कई मामलों में राजनीतिक कटाक्ष किए गए हैं। जाहिर सी बात है, इन पर विवाद तो होना ही है। अमेरिका में भी 9 साल की एक बच्ची के मास्टरबेशन सीन को लेकर नेटफ्लिक्स विवादों में पहले रह चुका है और उसके कंटेंट को सेंसर करने की मांग भी हो चुकी है। नेटफ्लिक्स या अमेजन पर आने वाले कंटेंट को भी सेंसर नहीं किया जाता। अब ऐसे में क्या घोल में सरकार पर कटाक्ष कर निर्माताओं ने फायदा उठाने की कोशिश की है। इस बात पर दो टूक जवाब देते हुए मानव कॉल कहते हैं, यही तो सिनेमा की सच्ची आजादी है, वरना हम लोगों को अपना काम कहां करने दिया जाता है। अगर आपको कोई कंटेंट पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, यह आपकी चॉइस है। लेकिन आप क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे, ये किसी और पर निर्भर क्यों होना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि अगर आपको हमारी फिल्म पसंद नहीं आए तो आपके पास पूरी छूट है कि आप हमारी फिल्म न देखें और इसके बारे में खराब रिव्यू करें। लेकिन सेंसरशिप के राज में तो न आप फिल्म देख पाएंगे और न हम दिखा पाएंगे। किसी और के हाथ की कठपुतली बनने से अच्छा है चुनने की ताकत आपके हाथ में रहे। मानव कॉल एक जाने माने लेखक हैं और निर्देशक भी हैं और सेंसरशिप की मनमानी के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते रहे हैं। नेटफ्लिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाने के बाद से अब सेमी एडल्ट कंटेंट को भारत में दिखाया जा रहा है, लेकिन इन ऐप से सेंसरशिप की मांग उठने लगी है। नेटफ्लिक्स की पहली हिंदी ओरिजिनल सीरीज सेक्रेट गेम्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कई सारे विवाद हुए थे, कई टिप्पणियों को लेकर लोगों ने कोर्ट तक मामला पहुंचा दिया था। लेकिन फिलहाल नेटफ्लिक्स के कंटेंट पर सेंसरशिप होता है या नहीं होता है, ये बात की बात है। लेकिन मानव कॉल का मानना है कि सेंसरशिप कला की हत्या है। इस वीडियो में इतना ही।